सर्विस बुक ऑनलाइन करने के लिए आप सबसे पहले तो अपना गूगल का ब्राउज़र खोलेंगे और गूगल ब्राउज़र में यहाँ पर यूआरएल में आप टाइप करेंगे ihrms.rajnic.in rajnic.in के बाद में आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये होम पेज आपका खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद में आप यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी RJBN ID लिखेंगे आप, जो आपकी RJBN ID है, ये RJBN ID, आपका पासवर्ड भी RJBN ID ही रहेगा। आप इसको पहली बार RJBN ID ही यूज़ करें पासवर्ड में, उसके बाद में आप पासवर्ड बदल भी सकते हैं। तो मैं मेरा खुद का पासवर्ड डाल लेता हूँ, ये मेरा पासवर्ड है। और इसके बाद में इंटर ये कोड करेंगे अपन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 डिजिट का, और लॉगिन बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खोलने के बाद में आप गो फॉर डाटा एंट्री में आप यहाँ पर क्लिक करना है। सर्विस बुक जिनकी सैलरी पे मैनेजर पर ऑनलाइन पे मैनेजर पर बनती है, उन्हीं की सर्विस बुक ऑनलाइन होनी है मित्रों। जिनकी सैलरी पे मैनेजर पर नहीं बनती है, ऑफलाइन में सैलरी बनती है, उनके लिए अभी सर्विस बुक ऑनलाइन करने के आदेश नहीं आए हैं। सबसे पहले आप बेसिक डिटेल में जाएंगे। बेसिक डिटेल यहाँ पर मेरा खुद का तो भरा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे एम्प्लॉई डिटेल, एम्प्लॉई नेम में आप यहाँ पर अपना नाम और अपनी RJBN ID तो खुद आ जाएगी, अपना नाम भी आ जाएगा और अपनी जन्म तारीख भी आ जाएगी। क्योंकि मेरी सैलरी पे मैनेजर पे बनती है, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर होम पेज पर जाकर पे मैनेजर पे टिक किया था। तो मेरी खुद की जो डिटेल है वो तो पे मैनेजर पे अपडेट हो हुई थी, तो इसमें सीधी सबमिट होकर आ गई। अब यहाँ पर आप भरेंगे अपना नाम वगैरह, आपकी mail ID है यहाँ पर, उसके बाद में आपका प्रेजेंट स्टेटस है रेगुलर इन सर्विस, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी भरेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेजिग्नेशन, वो भी आपकी जो भी डेजिग्नेशन है जिस दिन सर्विस लगी है वो की डेट आ जाएगी यहाँ पर। प्रेजेंट पोस्टिंग जो लिखेंगे आप कि कौन से डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं, और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट स्कूल है जहाँ पर आप सर्विस करते हैं, जहाँ ऑफिस है वो आपका आ जाएगा। और इस कॉलम में आप टाइप ऑफ सिलेक्शन यानी कि किससे आपकी नियुक्ति हुई, RPSC से हुई है, डायरेक्ट आए हैं। उसके बाद में प्रेजेंट डेजिग्नेशन आप मतलब क्या हैं, थर्ड ग्रेड टीचर हैं या सीनियर टीचर हैं या फर्स्ट ग्रेड हैं, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में सबऑर्डिनेट सर्विस, प्रमोशन अगर आपका है तो प्रमोशन लिखेंगे, और यहाँ पर सेव बटन पर अपना मोबाइल नंबर और फादर नेम एंड मदर नेम डालने के बाद में सेव बटन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप रिक्वायरमेंट जो है आपका यानी कि नियुक्ति, जो जब आपकी नियुक्ति हुई है, आप इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। आपके ये स्लोगल दिया हुआ है तो इस स्लोगल को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, या ऊपर से हाइड भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये डाटा नहीं दिख रहे हैं तो आप इसको अपनी आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आप सिलेक्शन करेंगे कि किस टाइम आपका डेजिग्नेशन, किस टाइम सर्विस लगी आपकी, ऑर्डर नंबर एंड डेट, और सर्विस टाइप आप मतलब किस टाइप की सर्विस है आपकी।
ऑर्डर इशिंग अथॉरिटी मतलब राज बीकानेर जिससे भी आपका ऑर्डर हुआ हो एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ पर रेफरेंस देंगे। उसके बाद में सेलेक्ट डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ सेलेक्शन डायरेक्ट आए हैं आरपीएससी से, यहाँ पर आप लिखेंगे आपका सिलेक्शन। अगर डायरेक्ट हुआ है जिला परिषद के माध्यम से तो वो डायरेक्ट में आएगा, और आरपीएससी सिलेक्टेड है तो आरपीएससी का ईयर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर भी आरपीएससी सेलेक्ट करेंगे। सर्विस कोटा सबऑर्डिनेट सर्विस है एनए, और उसके बाद में ज्वाइनिंग डेट एंड टाइमिंग रिक्वायरमेंट जो भी है आपका वो यहाँ पर आप शो करके, और ये आपका रिक्वायरमेंट प्रथम नियुक्ति से रिलेटेड है तो ये पूरा प्रोफॉर्म आपका प्रथम नियुक्ति का हो जाएगा। उसके बाद में आप जाएंगे जनरल इन्फो में, जनरल इन्फो में जाते ही आपका सबसे ऊपर यूआईडी है आधार नंबर जिसको डालेंगे आप, आधार नंबर के बाद में भामाशाह नंबर आपके पास में अवेलेबल है वो भी डाल देंगे, उसके बाद में पैन कार्ड नंबर है, करंट स्टेटस आप किस टाइप के रेगुलर इन सर्विस हैं भी, उसके बाद में आपकी कैटेगरी कास्ट क्या है तो कास्ट भी आप यहाँ पर शो कर देंगे, रिलेशनशिप एंड हिंदू ब्लड ग्रुप जो भी है आपका, एक्स सर्विसमैन नो आप एक्स सर्विसमैन नहीं है, और यहाँ पर आपका स्टेट इंश्योरेंस नंबर या मेल आईडी, मेरिट स्टेटस में आपका आ जाएगा जो भी है मेरिट है तो मेरिट या अनमेरिट जो भी है आपका, और यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट यानी कि इंडियन है ओनली, और हिंदी भाषा को आप सेलेक्ट यहाँ पर करेंगे। एकोडमेशन इसमें आप गवर्नमेंट हैं, फिजिकल एंड हैंडीकैप्ड डिसेबिलिटी तो नो, और आपको फिर मदर नेम जो आपने ऊपर पहले लिखा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा, और आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो भी बनता है और टाउन यहाँ पर कस्बा, स्पाउस आपके मतलब जो मिसेज हैं वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं हैं तो नो करेंगे, और अगर यस करेंगे तो डिपार्टमेंट का नाम भी यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा। आप फिर सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में आएगा आपके सर्विस हिस्ट्री कि आप कहाँ कहाँ रहे, कितने समय तक कहाँ पर नौकरी करी आपने, और आपकी जब पोस्टिंग हुई तो रेगुलर हैं या डेपुटेशन है या अंडर ट्रेनिंग है, जिस तरह से हैं आप जैसे मैं रेगुलर तो रेगुलर, और पोस्टिंग यहाँ पर मेरी जो भी है आप पोस्टिंग ऑफिस किस ऑफिस में है वह आप सेलेक्ट यहाँ पर करेंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है या मेडिकल में है या जिसमें भी है आपका जो भी बिजनेस है जो भी सर्विस है जिस डिपार्टमेंट में है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं आप, जैसे बांसवाड़ा तो बांसवाड़ा जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ऑफिस जो भी है आपका, डेजिग्नेशन शो ऑल डेजिग्नेशन यानी कि आप जो भी आपका टीचर हैं टीचर या अदरवाइज जो भी हैं आप, फ्रॉम डेट इन ज्वाइनिंग किस तारीख को आपने ज्वाइनिंग की, और ज्वाइनिंग ऑर्डर नंबर, डेट ऑफ रिलीविंग वहाँ से मतलब किस तारीख को इस स्कूल में ज्वाइनिंग हुए और किस तारीख को आपने वहाँ से रिलीव हुए, ट्रांसफ़र ऑर्डर और डेट यहाँ पर शो आप करेंगे, ट्रांसफ़र टाइप किस प्रकार का है मतलब ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट की या आप पब्लिक इंटरेस्टेड मतलब ऑन रिक्वेस्ट जो भी है आपका ट्रांसफ़र मतलब आपने खुद ने करवाया था या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अनुसार हुआ है, तो आप यहाँ पर शो करने के बाद में सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपका आता है प्रेजेंट पोस्टिंग, वर्तमान में आप यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं वो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी, उसमें डेजिग्नेशन में आप क्या हैं
सीनियर टीचर हैं या फर्स्ट ग्रेड हैं या थर्ड ग्रेड हैं या जो भी हैं वो, उसके बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा या ऑफिस का नाम आ जाएगा, आपके करेंट ऑफिस सर्विस क्लासिफिकेशन में सबऑर्डिनेट और ऑफिस नेम एंड सर्विस, आप किस तरह की सर्विस करते हैं, करेंट पोस्टिंग, रेगुलर इंटेडर आपका, पोस्टेड फ्रॉम जॉइनिंग डेट आपकी ऑटोमेटिक ले लेगा ये, और सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन कौन से सब्जेक्ट से टीचर हैं तो यहाँ पर आप शो करेंगे और सबमिट बटन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आता है आपका इंक्वायरीज, अगर इन सर्विस दौरान आपके कोई इंक्वायरीज हुई हो, पूछताछ हुई हो या आपके ऊपर कोई नोटिस वगैरह आया हो या आपकी जांच पड़ताल हुई हो तो उसके बारे में यहाँ पर आप शो करेंगे। उसके बाद में आता है लीव सेंक्शन, नेट थोड़ा स्लो पोजिशन में, यहाँ पर आप इंक्वायरीज में जो भी आपके 16 सीसी या कभी आदेश हुआ हो आपकी जांच पड़ताल के संबंधित है उसके बारे में यहाँ पर आप शो करेंगे। मेरे कभी आदेश आया नहीं है इसलिए इसमें मैं कुछ भी नहीं भरूंगा। उसके बाद में आता है आपका लीव सेंक्शन, लीव सेंक्शन में आपके कितना आपने मतलब पीएल्स हैं आपके अकाउंट में, आपकी सर्विस बुक में कितनी पीएलए दर्ज हैं, उसके बाद में आपने कितने मेडिकल लिए हैं, कितनी सीएल हैं आपकी, और उसके बाद में कितने ट्रेनिंग्स वगैरह के अंतर्गत कितनी पीएलए जुड़ी हैं आपकी, वो सारी आप एंट्रीज यहाँ पर लीव स्टेटस में करेंगे। उसके बाद में आप सेव करेंगे या रिमार्क में या कुछ अपन लिख भी सकते हैं कि जैसे मतलब अपन को इतनी लीव है तो किस पर्पस से मिली है। उसके बाद में आता है ट्रेनिंग्स, आप जहाँ पर सब्जेक्ट टीचर हैं तो सब्जेक्ट टीचर की ट्रेनिंग कहाँ कहाँ पर ली है और कौन कौन सी तारीख को आपके ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद में कौन से कोर्स से ट्रेनिंग हुई थी, जैसे हिंदी का लिया प्रशिक्षण या इंग्लिश, या इंग्लिश का लिया या साइंस का लिया या मैथ का, जो भी है आपका नेचर ऑफ ट्रेनिंग किस टाइप का ट्रेनिंग था है। उसके बाद में ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग मतलब डे वीक मंथ या ईयर, पीरियड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक आपने ट्रेनिंग ली, इस ड्यूरिंग स्पॉन्सर ऑफ ट्रेनिंग मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या राजस्थान या अदर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेनिंग स्पॉन्सर करने वाला कौन था, जैसे राज्य से भी रहता है या डाइट के माध्यम से रहता है या एनसीईआरटी या एसआईआरटी, किसके माध्यम से आपने ट्रेनिंग जिसके भी माध्यम से ली हो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर को शो करेंगे यहाँ पर। उसके बाद में टाइप ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब कौन से इंस्टीट्यूट से ली है आपने ट्रेनिंग, नेम ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड डेट एंड ऑर्डर एंड सबमिट, आप जो भी रिकॉर्ड जितने भी ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं इस दौरान वो यहाँ पर डालते ही तुरंत यहाँ पर नीचे शो करने लग जाएगा। यहाँ पर एक बटन दूसरा भी दिया होगा कि एडिट एंड अपडेट, तो आप इसमें गलत डेट होने पर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं और सही या गलत का आप अनुमान भी लगा सकते हैं। मित्रों पहले तो सर्विस बुक फाइनल सबमिशन से पहले ये एडिटिंग वगैरह जो भी है आपका बिल्कुल कर लेना है, उसके बाद में ही फाइनल सबमिशन देना है। डाटा फ्रीज होने के बाद में आप इसमें कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, कंप्यूटर एक्सपर्ट शिक्षा विभाग से बिलोंग करता हो उनके पास ही आप सर्विस बुक ऑनलाइन करवाएं, और जो 23 पेज का लोगो गवर्नमेंट ने जारी किया है, विभाग ने जारी किया है, उसको आप पहले भर लें ऑफलाइन में ताकि आपकी गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी। उसके बाद में आता है अपलोड इमेज, आपकी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है जैसे मेरी खुद की करी हुई है, और सिग्नेचर आपके यहाँ पर अपलोड करने हैं
चूज फाइल में जाकर इसमें भी साइज़ बनी हुई है 50 के बी की आपकी इमेज है, 25 के बी के आपके साइन हैं, और फ्लैम इम्प्रेशन यानी कि पूरा फिंगर पूरा अब होना चाहिए और वो 30 के बी की साइज़ का है। और इसके बाद में आपका थंब इम्प्रेशन यानी कि अंगूठा वो है 25 के बी का, और अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद में आता है आपका पे फिक्सेशन। पे फिक्सेशन जब जब भी आपका फिक्सेशन हुआ है वो आपको लिखना है यहाँ पर, और क्वालिफिकेशन आपका क्या क्वालिफिकेशन है, कब कब आप मतलब किस लेवल के हैं, कौन सी डिग्री किस टाइप आपने ली है, जैसे बीए किया है या एमए किया है या सीनियर एसटीसी करके लगे हैं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर भरना है। आप जैसे यहाँ पर भरेंगे ये एडिट एंड डिलीट का ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इसको आप एडिट करके वापस भी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है एड्रेस आपका, आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर इसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज एंड पुलिस स्टेशन आपका, पिन कोड नंबर और फ़ोन नंबर आपका, फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर। और उसके बाद में जो यहाँ पर बॉक्स दिया राइट साइड में, वहाँ पर यहाँ टिक करने से वो सारा एड्रेस यही की यही कॉपी यहाँ पर हो जानी है। दो बार नहीं लिखना, आपको एक ही बार सबमिट करना है, और इस बटन पर आपको यहाँ पर क्लिक करने से वो एड्रेस पूरा का पूरा इसमें आ जाएगा एंड अपडेट करना है आपको। उसके बाद में आता है आपकी फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल में आप यहाँ पर ऊपर डालेंगे, और फैमिली डिटेल जो भी आपका है वो नीचे यहाँ पर आपकी अपडेट होती जाएगी, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ उनकी, जैसे प्रोफेशन अगर कोई व्यवसाय करते हैं, डिपार्टमेंट, रिलेशनशिप आपकी क्या है उनसे, और जेंडर मेल है या फीमेल है, मैरिटल स्टेटस यानी कि मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, जो भी है वो आपको यहाँ पर फैमिली डिटेल सबमिट करनी है। उसके बाद में आपका आता है फिज़िकल डिटेल, यानी कि फिज़िकल डिटेल में आपकी हाइट वगैरह कितनी है, आपका वेट कितना है, आपकी आई सी मतलब उसकी क्या है, और कलर ब्लाइंडनेस, आप अंधापन है या जो भी है वो यहाँ पर क्लियर आपको करना है। उसके बाद में कोई डिजीज़ से आप मतलब चल रहे हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर शो करना है, यस या नो में। अगर आप कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं है तो नो करना है, और यहाँ पर डेट डालनी है टुडे, जिस दिन आप सर्विस बुक ऑनलाइन करते हो वहाँ की डेट यहाँ पर शो होगी, और अपडेट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका आता है जनरल इन्फो। जनरल इन्फो में आप वही अपडेट करेंगे जिसे आप डिपार्टमेंटल टेस्ट पास्ट हैं, या कोई आपको नॉमिनेशन या CPF या अकाउंट वगैरह जो भी आपका है वो जनरल इन्फो में यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप अगर नॉमिनी नया कोई बदलना चाहते हैं, जैसे पहले आपके किसी बहुत शादी नहीं हुई मान लो, और शादी बाद में हुई है, पहले नॉमिनेशन है अपना, उसको चेंज करना है, तो वो यहाँ पर आप न्यू नॉमिनेशन में ऐड बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे आपको नॉमिनी अगर बदलना हो तो आप बदल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर नॉमिनेशन कितने प्रकार का होता है, जैसे SIF नॉमिनेशन है, GPF है, GIS है, पेंशन है, ये RPKKN, DCRG, ये सभी आप जैसे ही आप शो करोगे तो ये सारे लाइफ टाइम एरियर, एरियर ऑफ पेंशन एंड GPA प्रपोजल, तो सारे के सारे आपके नॉमिनेशन इसमें शो होते जाएंगे। उसके बाद में आता है आपका
लोन अगर आपने कहीं लिया हो तो वो आपको यहाँ पर शो करना है। इसके बाद में SER आपकी जो साल के अंत में भरी जाती है, उसके बाद में आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला हो तो वो शो करना है। जैसे मुझे अवार्ड मिला है, प्रशस्ति पत्र यहाँ पे ये शो हो रहा है, प्रशस्ति पत्र मेरा। उसके बाद में मुझे कहाँ से मिला है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं सम्मानित हुआ था। जैसे 26 जनवरी को किस कार्य की आवाज़ में आप सम्मानित हुए थे, तो मैं ऑन कंप्यूटर वर्क सम्मानित हुआ था। तो मैंने यहाँ पर बाय स्कूल ऑथोरिटी से मुझे ये मिला था, तो मेरा यहाँ पर प्रशस्ति पत्र भी शो हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद में आता है इंक्रीमेंट डिटेल। जब आपका इंक्रीमेंट लगा हो तो इंक्रीमेंट डिटेल आपको यहाँ पर शो करनी है। उसके बाद में आपका यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है मित्रों, कि जो इंक्रीमेंट डेट है वो फ्यूचर डेट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर इस कॉलम में इंक्रीमेंट की डेट फ्यूचर डेट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। आप यहाँ पर वही डालें जैसे ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, डेजिग्नेशन, उसके बाद में पे स्केल आपकी क्या है, और उस टाइप आप मतलब ओल्ड बेसिक इंक्रीमेंट डेट और आपकी इंक्रीमेंट अमाउंट कितना बड़ा। यहाँ पर आपकी जैसे ही आप 6 पे शो कर रहे हैं, अभी 7 पे लगा नहीं है अपने, तो 6 पे में ही आते हैं। 6 पे करते ही तुरंत यहाँ पर पे स्केल शो कर देगा ये, कि कौन सी पे स्केल में है आप। जैसे 5200 से 20200 हैं, या 9300 से 34800 हैं, या अदरवाइज 15600 से 39100 हैं, जो भी हैं आपका। और इंक्रीमेंट डेट यहाँ पर इन फ्यूचर एक्सेप्ट नहीं है, पिछले साल की ही इंक्रीमेंट डालनी है। अभी नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट जुलाई की 17 की लग जाएगी अभी। उसके बाद में आपको यहाँ पर इट इज़ अ लास्ट इंक्रीमेंट ऑफ सर्विस, यहाँ पर एक चेकबॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप रिटायरमेंट के करीब हो तो ही इस चेकबॉक्स में आपको टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है इसको। नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट यहाँ पर डाल देनी है और यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आता है आपका सस्पेंशन, यानी कि आपको भी सस्पेंड हुए हैं तो यहाँ पर शो करना है। एडिशनल चार्ज कोई आपके ऊपर लगा हो, जैसे कोई आपका इंक्रीमेंट जुड़ा हो नया, या आपका ज़्यादा इंक्रीमेंट प्लस हो गया हो, तो उस समय आपके एडिशनल कोई चार्ज लग गया हो, या लोनिंग संबंधी हो तो लोन संबंधी आपके EMI नहीं जा रही हो, तो भी एडिशनल चार्ज इसमें आप शो कर सकते हो। उसके बाद में आता है कोर्ट केसेस, कोर्ट क्लेम कोई हुआ हो, चेंज डेजिग्नेशन, ये आप करने अभी नहीं कर सकते हैं। अपना जो डेजिग्नेशन है, जैसे जो भी है गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो टीचर हैं तो टीचर ही रहेगा, और अदरवाइज जो भी हैं आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर रहेगा, तो आप अपना डेजिग्नेशन चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आपका अंत में आता है फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स में आपको यहाँ पर सेलेक्ट हैंड, जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में लेना है आपको। जैसे लेफ्ट हैंड करते ही आपका कैप्चर यहाँ पर कर लेगा, जैसे थंब का है, इसके बाद में इंडेक्स है, मिडल है, रिंग फिंगर है, और लिटिल फिंगर तर्जनी जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक करना है। फिर राइट हैंड चॉइस करके फिर राइट हैंड का भी वही की वही आपको अपडेटिंग यहाँ पर करके सेव बटन पर क्लिक करना है। तो लास्ट में आएगा आपके न्यू एंट्री फॉर्म। अपना अगर कोई मतलब न्यू, जैसे ये अपडेट सारी हो गई, कल उठा के नया आदेश आया आपने, कोई नई एंट्री या नया कुछ भी हुआ हो, तो आप इसमें आसानी से कर सकते हैं मित्रों। तो आप मेरे इस ट्यूटोरियल को
आप देखेंगे, उसके बाद में आप सर्विस बुक आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे नए विभागीय ट्यूटोरियल से आपको जल्दी से जल्दी जानकारी मिल सके। थैंक्स, गुड नाइट।